हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी बस आने ही वाली है और सभी अपने अपने घरों को सजाने में लगे हैं। सो मैं भी आज आपके लिए दो गणेश चतुर्थी रिलेटेड इजी DIYs लेके आई हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारे फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे एक थर्मोकोल शीट ली है, जिसमें से इस तरह से मैंने दो राउंडल्स कट कर लिए हैं। देन मैंने एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लिया और इस तरह से इसे हाफ में कट करके अलग कर लिया। देन जो मैंने थर्मोकोल शीट से दो सर्कल कट किए थे, उसे मैं ग्लूगन की हेल्प से इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी, कुछ इस तरह से। सो दोनों स्टैंड मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है स्पून्स को इस स्टैंड के ऊपर स्टिक करने की। तो मैंने प्लायर की हेल्प से स्पून को इस तरह से कट कर लिया। उसके बाद ग्लूगन की ही हेल्प से मैं कैंडल के आसपास इन्हें स्टिक करती जाऊंगी, कुछ इस तरह से। सो अराउंड 15 टू 20 स्पून्स जो है मुझे इस स्टैंड को बनाने में लगे। एंड स्पून स्टिक करने के बाद मैंने इन दोनों स्टैंड्स को गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया। सो यस, दिस इज़ द फाइनल लुक। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड DIY की तरफ, जो कि है बप्पा का सिंहासन। सो इसके लिए मैंने ली है एक मेटल रिंग और एक नेट का फैब्रिक, और फैब्रिक को मैंने रिंग के आसपास इस तरह से टाई कर दिया है थ्रेड की हेल्प से। एंड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने सीजर की हेल्प से कट कर दिया। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे एक मोबाइल बॉक्स और ये छोटी सी पोटली मेरे पास पड़ी थी, इसके हैंडल्स को मैंने सीजर से कट करके अलग कर दिया और मोबाइल बॉक्स को इस पोटली के अंदर फिट कर दिया। एंड लकीली ये पोटली पूरे मोबाइल बॉक्स के नाप की ही थी। देन लास्ट में मैंने इसे सील करने के लिए सिलिकॉन ग्लू की हेल्प ली। आप चाहें तो इसे स्टिच भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोबारा अपने मेटल रिंग की तरफ। सो ये जो आप सेंटर में लटकन देख रहे हैं वो पोटली में से ही निकला था। सो मैंने सोचा क्यों ना इसे सेंटर में लगा लिया जाए। तो मैंने इसे सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से इस तरह से सेंटर में लगा दिया और रिंग के आसपास कुछ छोटे बड़े मिरर्स और स्टिकर स्टिक कर दिए। चलिए तो हमारा सिंहासन का बैकड्रॉप तो रेडी हो गया। अब दोबारा बढ़ते हैं सिंहासन की तरफ। तो जो पोटली में से हैंडल्स निकले थे उसे मैंने इस तरह से साइड पे सिंहासन के स्टिक कर दिया है सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से। एंड सिंहासन के नीचे मैंने कुछ बीड्स लगा दिए ताकि सिंहासन को थोड़ी हाइट मिल सके। देन जो हमने बैकड्रॉप मेटल रिंग का रेडी किया था उसे भी मैंने सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से इस तरह से स्टिक कर दिया है। एंड यस, इसी के साथ हमारा बप्पा का सिंहासन भी हो गया है रेडी। सो यस, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।